Today I am going to deliver a lecture on nanoparticle. In this session we will discuss about definition of nanoparticles, synthesis of nanoparticles, property of nanoparticle, structure of nanoparticle and its application. Firstly, what is nanoparticle? Nanoparticle is a small particle of size 101 nanometer to 100 nanometer in size. जो nanoparticle होते हैं वह अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जिनकी size जो होती है वह 1 से 100 nanometer के बीच होती है. Now we will discuss about structure of nanoparticle. Basically जो nanoparticle होते हैं वह 0D, 1D, 2D and 3D structure में पाए जाते हैं. 0D nanoparticle. Here D stand for dimension, means एक ऐसा नैनो पार्टिकल जिसकी x, y एंड z डायरेक्शन जो होती है वह जीरो होती है उसे 0D नैनो पार्टिकल कहते हैं. इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सेमी कंडक्टर नैनो पार्टिकल एंड फुलेरीन. फुलेरीन जो होता है वो कार्बन 16 को बोलते हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है. नाओ 1D नैनो पार्टिकल, जैसा कि नाम से ही क्लियर है 1D मीन्स जिसमें सिर्फ वन डायमेंशन होती है या वे एक्स या वाई या फिर जेड, तो उसे अपन क्या बोलते हैं 1D नैनो पार्टिकल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन नैनो ट्यूब. जो कार्बन नैनो ट्यूब होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है. नाउ 2D नैनो पार्टिकल, जब किसी नैनो पार्टिकल को इस प्रकार बनाया जाता है कि उसकी दो डायमेंशन बस रहे या एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, तो उसे 2D नैनो पार्टिकल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ग्राफीन. 3D नैनो पार्टिकल, जिस नैनो पार्टिकल की तीनों डायमेंशन मीन्स एक्स वाई एंड जेड तीनों प्रेजेंट होती है तो उसे 3D नैनो पार्टिकल बोलते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो है वो अपन डेली यूज़ में बहुत यूज़ करते हैं, पेंसिल में भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल. बेसिकली ये दो प्रकार की होती है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप. नाउ टॉप डाउन नैनो पार्टिकल सिंथेसिस प्रोसेस, जैसा कि नाम से ही क्लियर है ऊपर से नीचे. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बल्क सब्सटेंस होता है उसे उस पर एनर्जी दी जाती है, तो एनर्जी के थ्रू वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. एक्चुअली जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो मल्टी लेयर का होता है, फिर इसे प्रोसेस के थ्रू मल्टी लेयर से मोनो लेयर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आफ्टर सम प्रोसेस ये मोनो लेयर से नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है. सेकेंड वन इज बॉटम अप. तो बॉटम अप में क्या होता है, जो नीचे से ऊपर मीन्स छोटे छोटे से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जब उनको रिकम्बाइन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड बाय द रिएक्शन ऑफ केमिकल या केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है ये, इसके बाद जो फॉर्म होते हैं उन्हें नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल्स. नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वे साइज में बहुत सूक्ष्म होते हैं, मीन्स 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं. इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इस कारण इनका यूज़ जो होता है बहुत ज़्यादा किया जाता है. यदि अपन कंपेयर करें बल्क मटेरियल की एंड नैनो पार्टिकल की, तो जो बल्क मटेरियल होते हैं और नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके उसमें काफ़ी डिफर करते हैं ये. फॉर एग्ज़ाम्पल जो गोल्ड पार्टिकल होता है और उसका जो नैनो पार्टिकल होता है उसकी जो प्रॉपर्टी देखें तो काफ़ी डिफर हो जाती है. जैसे जो गोल्ड पार्टिकल होता है वो कलर में येलो कलर का होता है, लेकिन गोल्ड पार्टिकल का जो नैनो सब्सटेंस होता है वो कलर में रेड कलर का होता है. इसके अलावा प्लास्टिसिटी की बात करते हैं तो गोल्ड पार्टिकल जो होता है वह कम प्लास्टिक होता है और जो नैनो पार्टिकल होता है वह अधिक प्लास्टिक होता है. इसके अलावा यदि देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जो बल्क सब्सटेंस की वो ज़्यादा होती है, इनमें प्रतिरोधकता भी ज़्यादा होती है, इस कारण इनकी चालकता जो होती है कम हो जाती है. In nowadays, nanotechnology is very useful in so many fields such as medical, electronics, automobile, agriculture, food industry, defense and technology and so on. Let's we start. इन मेडिकल फील्ड, जैसा कि हम जानते हैं आज मेडिकल फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी के यूज़ से एक बहुत बड़ी क्रांति आई है. आज कई नैनो ड्रग इस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं जो अफेक्टेड एरिया ऑफ बॉडी होता है सिर्फ उस पे जाके ये रिएक्ट करते हैं और उसे रिकवर करते हैं.
इसके अलावा जो आर्टिफिशियल ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसमें जो जितने भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं वो मोस्टली नैनो पार्टिकल पे बेस्ड होते हैं। इसके अलावा पोटेशियम नैनो पार्टिकल जो होता है उससे बोन्स की और टीथ की इमेज फॉर्म किया जाता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो कैंसर ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट स्टेज कैंसर ट्रीटमेंट होता है उसमें भी नैनो पार्टिकल का यूज़ होता है। कई ऐसे माइनर और मेजर ऑपरेशन होते हैं जिनको करने में पहले बहुत प्रॉब्लम्स जाती थी, लेकिन आफ्टर इन्वेंशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कुछ नैनो कैमराज आए हैं उसके थ्रू जो बॉडी पार्ट है वो क्लियरली उसका ऑपरेशन हो जाता है। इसके अलावा ये जीन थेरेपी में जीन एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। यदि हम पहले की बात करें तो कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार कॉम्पैक्ट होता गया। ये सब रीज़न है नैनो टेक्नोलॉजी का। आज यदि हम देखें तो कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, रेफ्रिजरेटर एंड बहुत सारे जो इक्विपमेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के उनमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जैसे कि हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड चिप की, आईसी की, जो बहुत छोटी होती है और उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसके आकार को और छोटा किया जा रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। इसके अलावा नैनो सेमीकंडक्टर, नैनो डायोड, जैसा कि हम जानते हैं डायोड इज़ अ बाई टर्मिनल डिवाइस जिसमें वोल्टेज गेन या करंट गेन प्राप्त किया जाता है, ये भी आजकल बहुत छोटे साइज के बनाए जा रहे हैं आफ्टर यूजिंग द नैनो टेक्नोलॉजी। थर्ड वन इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा नैनो उर्वरक और नैनो कीटनाशक बनाए गए हैं। नैनो उर्वरक का यूज करके आज किसान अपनी फसल को 2 से 3 गुना बढ़ा सकता है। इसके अलावा जो नैनो कीटनाशक होते हैं वो कीटनाशक के रूप में यूज़ करते हैं और खरपतवार को नष्ट करते हैं। इसके अलावा जो इसका बहुत बड़ा इन्वेंशन है वो है जीएम फसल, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड फसल। तो जीएम फसल जो होती है उसमें किसान अपनी मर्जी से जीन को मॉडिफाई करके वांछित फसल को प्राप्त कर सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यदि अपन बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी ये एग्रीकल्चर में भविष्य की टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है, क्योंकि इससे जो किसान है उसकी आय 10 से 40 गुना बढ़ सकती है और इसमें जो यूज़ होता है वो बहुत कम होता है। यदि अपन बात करते हैं 1 एकड़ खेत की, तो 1 एकड़ में यदि अपन यूरिया का लगभग जितना भी यूज़ करते हैं उससे जस्ट हाफ नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ अपन कर सकते हैं। इन फूड इंडस्ट्री, जैसे कि हम जानते हैं जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होता है उसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसे उसकी वैल्यू को बढ़ाई जाती है प्रसंस्कृत करके। मीन्स जैसे मैदे से ब्रेड का बनाना, ये क्या है, एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, ये भी नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें नैनो पार्टिकल के द्वारा उसके टेक्सचर को चेंज किया जाता है, उसके कलर को चेंज किया जाता है और उसे ऐसे प्रिजर्व किया जाता है कि वो काफ़ी समय तक टिकाऊ बने रहे। इसके द्वारा ये नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा पैकिंग इंडस्ट्री में भी जो फूड बनता है उसको महीनों तक पैक करने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। नाउ इन ऑटोमोबाइल्स, जैसा कि कार हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं तो वो मॉडिफाई होती गई है। एट प्रेजेंट जो हम कार यूज़ करते हैं उसमें जो कलर कोडिंग होती है वो नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है। एक्चुअली जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो यूवी रेज के लिए सेंसिटिव होते हैं। मीन्स वो यूवी रेज का जो इफेक्ट है वो कार पर नहीं पड़ने देते, तो कार काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने लगती है। इसके अलावा जो कार की जो बैटरीज होती है, जो अपन पहले बैटरी यूज़ करते थे वो काफ़ी महंगी होती थी और एफिशिएंट कम होती थी, लेकिन एट प्रेजेंट कार की जो बैटरी है उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा नैनो बैटरी को यूज़ किया जा रहा है, जिससे उसकी एफिशिएंसी 10-40% इंक्रीज़ हो गई है। इसके अलावा जो कार के जो व्हीकल होते हैं, जो पहिए होते हैं, वो रबड़ के बनते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके थ्रू जो कार के पहिए हैं वो नैनो क्ले से बनाए जा रहे हैं, जो अत्यंत लाइट वेटेड होते हैं और जिसके यूज़ से कार स्मूथली रन करेगी। इसके अलावा जो कार के जो ग्लास हैं उनमें उनको फॉर्म करते समय टाइटेनिया नामक नैनो पार्टिकल मिला दिया जाता है। इसको मिलाने से क्या होता है, जो कांच होता है उस पर जो पानी की लेयर पड़ती है तो वो एक लेयर में पड़ती है और वो बहुत जल्दी ही सूख जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ टेक्सटाइल। जो कपड़ा उद्योग है उसमें भी नैनो पार्टिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। आज नैनो पार्टिकल की हेल्प से कई ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जो देखने में तो सिंथेटिक लगते हैं, लेकिन उनमें कंफर्ट जो होता है वह कॉटन की तरह होता है। इसके अलावा जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, इस तरह के पार्टिकल का यूज़ करके कपड़ों को कीटाणुनाशक बनाया जा रहा है।
नेक्स्ट वन इज स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। यदि हम बात करते हैं स्पेस में, तो स्पेस में जो विमान होते हैं उनके वो बहुत हैवी होते हैं। उनके वेट को कम करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे उसमें प्रोब्स लगी होती हैं, प्रोब्स के वेट को कम करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। यदि हम बात करते हैं तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो जो जैकेट्स पहनते हैं उस जैकेट्स को भी नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है ताकि वो तापमान के कुचालक रहे। इसके अलावा हम बात करें डिफेंस में, तो डिफेंस में कई ऐसे इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होते हैं और ये बहुत जल्दी डिटेक्ट भी नहीं होते हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल बहुत छोटा पार्टिकल है तो इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो व्हीकल होते हैं जो अपन डिफेंस में यूज़ करते हैं, जो मिसाइल्स वगैरह अपन यूज़ करते हैं, उन्हें बहुत कॉम्पैक्ट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। थैंक यू। वी विल डिस्कस समथिंग एल्स इन नेक्स्ट लेक्चर।